धीरा राम किस गांव से आयो? सरली से सर। अच्छा, किस मामले को लेके आए हैं? मामला ये कि 2016-17 का जो कृषि अनुदान राशि है उसके पेटे में लोगों से सरपंच और पटवारी जी अपनी एजेंट बिठा कर गांव में 200 से 500 रुपये मांग रहे हैं। और लोगों को आज बताया कि गांव में बड़ी मीटिंग है और लोगों को मीटिंग का बता करके लोगों को बुलाया, कोई मीटिंग थी नहीं। वो लोगों को बताना था कि आप ये मतलब पैसे दो और आपके कृषि अनुदान का पैसा मिले, अगर नहीं दोगे पैसा तो आपको नाम से वंचित रखा दिया जाएगा। कौन है एजेंट? कौन है एजेंट? कोई गांव का ही लड़का बैठा रखा है। किसने नियुक्त किया है इसको? पटवारी ने। ये सरपंच और पटवारी साहब दोनों को मिली भक्ति से। उसमें ये है कि जिन लोगों के जो टांके स्वीकृत हो चुके हैं उनमें उनके जॉब कार्ड नहीं चलाए जा रहे, बाकी लोगों को अपने जो मिलने वाले है उसका 50% या 60-40% जो दे रहे हैं कमीशन उनके वो जॉब कार्ड चला रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना उसको लेके ज्ञापन में लिखा वो क्या है? उसमें भी 2000 से 5000 रुपए मांग रहे हैं। कौन मांग रहा है? ग्राम सेवक, सरपंच और ग्राम सेवक। नाम की? कान सिंह। गांव का नाम? सरली। किस मामले को लेकर यहाँ पर आए? पटवारी का एजेंट रखा हुआ गांव में, वो हर आदमी से 200 से 1000 रुपये 500 रुपये तक ले रहा है। जो कृषि अनुदान के जो पैसे आते हैं ना उसका अगर लिस्ट में नाम सटवाना तो पैसे देने पड़ेंगे। उसका नाम है गोसाई। किसने नियुक्त किया उसमें? उसको पटवारी और सरपंच ने। अच्छा, ये कब से चल रहा है? ये कल से चल रहा है और आज उस अटल सेवा केंद्र के अंदर काम कर रहा था, हमारे पास वीडियो बनाया उसका। अच्छा, वो पैसे लेते हुए? पैसे लेते हुए वो अभ्यास कर रहा है कि मैंने पैसे लिए नहीं दोगे तो मैं नहीं बढ़ाऊंगा ऐसे। जो नरेगा वाला ये क्या है? नरेगा में जो नरेगा के टांके बन रहे ने लोगों के जो जॉब कार्ड है 2-4 हफ्ता भर के जो अपने आदमी जॉब कार्ड लिए वो भर रहा है। कौन भर रहा है? ये जो ग्राम सेवक और सरपंच। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो नाम तो भरेंगे उसमें? अरे नाम दूसरों के थोड़े भरेंगे, जो मजदूरी करते हैं उनके भरने चाहिए ना। टांके पे काम हम करते हैं, जो काम वो कर रहा है और दूसरों के भर दिए।